मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। खबर डोंगर गांव के पास बगदई से है, जहां के प्रेरणा क्लब और जय हिंद क्लब के संयुक्त तत्वाधान के साथ ही ग्रामवासियों के सहयोग से एक दिवसीय महिला कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ दिखाई दी। वहीं प्रो कबड्डी की तर्ज पर रखी गई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने की। हमारे ग्राम पंचायत बगदई में एक दिवसीय महिला कबड्डी हो रहा है, जिसमें प्रेरणा कबड्डी क्लब और जय हिंद क्लब है। हमारे ग्राम बगदई में एक दिवसीय महिला कबड्डी का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें लगभग 50 से 60 टीम आ चुके हैं और उनका 10 टीम का खेल हो चुका है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है, जिसमें पूरे गांव के सभी सदस्य और गांव के युवा और साथ ही साथ हमारे बहन सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। खेल ग्राम बगदई में एक दिवसीय महिला कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं दर्शकों का विशेष उत्साह। सारे ग्रामवासियों ने विशेष रूप से आज त्यौहार मना करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। और आप सभी जान पाएंगे कि दूर दूर से लगभग 70 टीम इस महिला क्रिकेट क्षमा जाऊंगा महिला कबड्डी में भाग लेने के लिए आए हैं। खबर भिलाई से है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और अपनी टीम में लगातार बदलाव के साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में अन्य सरकार को उसके 4 सालों के कार्यकाल को लेकर आड़े हाथों लेती दिख रही है। वहीं भिलाई के सिविक सेंटर में भिलाई के नए भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजयुमो के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार ने 2018 में एसआई भर्ती की डेट निकाली थी और जब कांग्रेस सरकार आई उसको 4 साल होने जा रहे हैं और एसआई भर्ती आज 6 तारीख को होनी थी, जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ व्यापम की बहुत सारी परीक्षाओं को उन्होंने रद्द कर दिया है। उसी के देखते हुए अब जो युवा सड़क पर अपनी खुद की लड़ाई अब लड़ने आ गया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जब तक इन तारीखों का घोषणा नहीं होती है तब तक एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। ये सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, एसआई भर्ती जो होनी चाहिए थी उसको बंद कर दिया गया है और इस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो वादे इनने किए थे सरकार ने गंगा जल हाथ में उठा के वादे किए थे वो सारे के सारे वादे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे शराबबंदी की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, कोई भी बात पूरी नहीं की है और ये सरकार छलावा कर रही है पूरे प्रदेश की जनता के साथ। अंबिकापुर के रिहायशी इलाके गंगापुर में चल रही शराब की दुकान लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, जिसके चलते लोगों ने कई बार शराब की दुकानें हटाने की मांग की, लेकिन मामले में जिला प्रशासन मौन साधे हुए है। ये सड़क से बहुत दूर गलदा दिन के तो एकदम गाड़ी मोटर से परेशान रहते हैं और थोड़ा 5 बजता है तो दरुआ लोग जहाँ पाते हैं वहीं पी के अब एकदम से गाली गलौज जितना पाते हैं उतने एकदम करते हैं। बहुत दिक्कत है, रोड को ऐसी परेशानी है, सुबह तो गैस गोदाम वाला गाड़ी पलटाने पलटाने से बच गया है आजू, और ये दारू वाला कभी इधर से जाएंगे कभी उधर से जाएंगे और इतना परेशानी हॉर्न मारेंगे ऐसा कि एकदम फेंकाने टाइप का ज़्यादा धूल उठता है। सड़क का तो परेशानी इतना गंदा हो गया है ना कि कुछ कहने लायक नहीं है, खाली दारू भट्टी की वजह से ही तो सवेरे से रात तक 11-12 बजे तक किसी दिन तो रात भर घूमते रहते हैं। कैसे हम लोग तो इतना ने क्यों किए बोले लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रोड के संबंध में जो प्रभारी कार्यपालन अभियंता है नगर निगम के उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि संभवतः वो कार्य स्वीकृत है और उसको आगामी 10-15 दिन में कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा में 65 दिनों के बाद रसोइयों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी, जिसके बाद सरकार के आश्वासन पर अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं सरकार ने मांगे पूरी करने के लिए 1 महीने का समय भी मांगा है, जिसके बाद रसोइयों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही जनवरी तक मांग ना पूरे होने पर दंतेवाड़ा से रायपुर तक पद यात्रा कर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। वो रायपुर गए हुए थे और मंत्रियों से मुलाकात हुई है, वहाँ से हमको आश्वासन मिला हुआ है कि हम आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे आगे भी
और हम लोग मांग अगर एक महीना वक्त मांगा गया है, एक महीना में अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम जनवरी में 15 तारीख के बाद हम पैदल यात्रा रायपुर जाएंगे। हमारे जो प्रांत का है, महासंघ का है, हम लोग रायपुर में मंत्री जी को मिले थे, प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी को, उन लोग आश्वासन दिए हम लोग को कि तुम्हारे मांग को जायज मांग है और जायज मांग को हम कैबिनेट बैठक में जो जनवरी फरवरी मार्च बजट में आपका मांग को रखेंगे। कलेक्टर देर नहीं भी होता है तो मंगनी का के रेट आता है तो 190 या 210 रुपया का मान से या 5 या 6 हज़ार से आपको मांग को सीएम साहब पर रखेंगे। ये मांग हमको आश्वासन दिए हैं। ये आश्वासन से क्या है, प्रभारी मंत्री अपना बस्तर का और आदिवासी भी है और जितना अपना रोसैया सब भाई दीदी दादा लोग है उन लोग भी सब रोसैया में सब आदिवासी है। खबर डोंगर गांव से है जहां के सांसद साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं समारोह में विधायक को भी पहुंचना था पर वो समाज को महत्व ना देते हुए कहीं और व्यस्त रहे। बता दें इस दौरान समारोह कार्यक्रम में सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकार है जो मुआवजा जो है ना, अब पब्लिक जानने लगी है कि मोदी सरकार ही उचित मुआवजा देती है। अभी तक तो लोग भेदभाव करते रहे और सबसे पहली बात आप सबको बधाई है कि हम स्वास्थ्य से और शिक्षा से भी जुड़ेंगे जब हैदराबाद से जुड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार। ये जो एक्सप्रेस वे है ये हम सब के लिए संजीवनी है, जीवनदायिनी है। इसमें जो आंतरिक गतिविधियां हैं नक्सलियों की उसमें कमी भी आएगी और ये हम सब के लिए ये कहूँगा मैं कि मानपुर मोहला चौकी डोंगर गांव से लेकर के सिंघोला और इधर पूरा ये लाइफलाइन सिद्ध होगा। खबर दुर्ग से है जहां पर एनजीओ युवा जीव कल्याण संस्था के द्वारा समाज के असहाय लोगों की सहायता के लिए राखी होली और दीपावली जैसे त्योहारों के मौके पर उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुओं का वितरण कई वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरु नानक देव की जयंती के पहले संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के असक्षम व पिछड़े लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार कपड़े व चप्पलों का वितरण किया गया। खबर लोमरी से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने चंद घंटों में ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रार्थी नारायण यादव निवासी कांदाबाड़ी महामाई का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दोपहर 1:30 बजे इसके छोटे भाई छुन्ना यादव को गांव के ही फगुआ यादव ने धारदार तब्बल से मार के हत्या कर दिया है। कि सूचना पर धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को पता तलाश किया गया जो कांदाबाड़ी के जंगल में छिपा था, जिसे पुलिस बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया है। हालात से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराई गई और मुताबिक निर्देश कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मुंगेली में 13 नवंबर तक कानूनी जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिला स्थित मनियारी सभा कक्ष में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कानून से संबंधित बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। खबर रायपुर से है जहां अपने 4 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटकर सीएम भगेश ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता अब परिवर्तन चाहती है क्योंकि वर्तमान सरकार ने अपने किए हुए चुनावी वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। साथ ही कहा कि जनता और किसान छत्तीसगढ़ मॉडल को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वहां कांग्रेस का जीतना तय है। और इस दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी पर भी जमकर तंज कसा। हिमाचल में परिवर्तन की लहर है, जो कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है उसका बड़ा असर है। चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो,
चाहे बागबान और किसान को उसके उपज के मूल्य देने की बात हो, ये सारे बिंदु उसमें शामिल हैं और सब में बहुत उत्साह है। खासकर छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट पहुंचे, जहां खारू नदी में स्नान कर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा मेले की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का पालन किया जाता है। खबर रायपुर से है, जहां के डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेल उत्सव का आयोजन किया गया और ये आयोजन मुख्य अतिथि श्री प्रेम साय सिंह के विशेष अतिथि में संपन्न हुआ। वहीं आयोजन की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रशांत कुमार जी ने कहा कि हमारे छात्र छात्राओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां अर्जित कर विद्यालय परिवार को गौरव प्रदान किया है। सीतापुर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 12 नवंबर को राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा एक दिवसीय सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब ब्राह्मण समाज द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण 32% से 20% कर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व खत्म किया जाएगा। इसको लेकर ब्राह्मण समाज एवं जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा सीतापुर SDM को ज्ञापन सौंपा है। वहीं राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 12 तारीख को सीतापुर में कार्यक्रम होने वाली है, उसे लेकर ब्राह्मण समाज एवं जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा विरोध जताया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने का एक ये षड्यंत्र है और इससे हमारा पूरा जनजाति समाज इससे आहत होने की संभावना है, इसलिए ऐसा कार्य उन्हें करने से उन्हें रोका जाए। जिस प्रकार से ये हमारे संविधान को और हमारे जो ब्राह्मण समुदाय से लेकर के हमारे आदिवासी समुदाय को जिस प्रकार से मनगढ़ंत रूप में ये लोग बता करके कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जी, 12 तारीख को, 12 नवंबर 2022। सूरजपुर के ग्राम पंचायत करौटी के ग्रामीणों ने पंचायत के रोजगार सहायक की शिकायत जिला पंचायत CEO से की, जिसके चलते जिला पंचायत CEO के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। तो वहीं जनपद CEO सहित जांच टीम पंचायत भवन में जांच के लिए पहुंचे। जनपद CEO ने बताया कि सभी के बयान ले लिए गए हैं, साथ ही दस्तावेजों की भी जाँच कर ली गई है। रोजगार सहायक के ऊपर में यहाँ रोजगार सहायक कई जगह निर्माण कार्य कराए, उसमें अपने भाई को रखते हैं और यहाँ वो नहीं रहते, वो कभी कभी फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। इसमें हमारे समस्त गांव के जनता को रोष है कि इस तरह के रोजगार सहायक को करोटी में न रखें, अन्यथा आज तक कई प्रकार का यहाँ जांच हुआ, शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कोई जांच से संतुष्ट नहीं है। रोजगार सहायक यहाँ अपने यहाँ रहते भी नहीं है, जो कार्य वो होता है वहाँ बीच बीच में फ़ोटो खिंचवाने के लिए नाम मात्र काती है, उसके जगह में रोजगार सहायक का भाई वो आकाशदीप मिश्रा के द्वारा कार्य कराया जाता है, वो लेबर भी का काम कर रहा है, मेट का भी काम कर रहा है और प्रोपाइटर मतलब ठेकेदारी का भी काम कर रहा है। करोटी बी से काफ़ी समय से जाँच के लिए आवेदन आ रहा था, जिला पंचायत CEO के पास भी आवेदन किया गया है, तो CEO मैडम की ओर से जो है हमें जांच के लिए आवेदन हुआ था, तो उसी को हम लोग एक जांच समिति जो है टीम गठित करके आज जो है जांच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर रोजगार गारंटी से संबंधित जो समस्याएं हम लोग को देखने के लिए मिला है उसमें सभी जो हितग्राही हैं उसमें कूप निर्माण, तटबंध वगैरह है और रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो कार्य हैं उसमें जो हितग्राही हैं और संबंधित टोला पारा के जो निवासी यहाँ पर उपस्थित थे भारी संख्या में, हमने उनके सभी के बयान नोट किए हैं और उसके आधार पर एक जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगे और आदरणीय CEO मैडम के समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।